केरला स्टोरी के बाद आई ममता बनर्जी एक और फिल्म के पीछे पड़ गई हैं। इस फिल्म का नाम है द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल। पहले इस फिल्म के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई, जिसके बाद बंगाल पुलिस ने मेकर्स को हाजिर होने के लिए नोटिस भेजा है। फिल्म के ट्रेलर में दावा किया गया था कि बंगाल के हालात कश्मीर से भी बदतर होते जा रहे हैं। डायरेक्टर का कहना है कि उन्होंने फैक्ट्स के आधार पर फिल्म बनाई है। द केरला स्टोरी के बाद अब पश्चिम बंगाल में इस फिल्म को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल के डायरेक्टर और मेकर्स को कोलकाता पुलिस ने नोटिस भेजा है। इस मामले में पूछताछ के लिए कोलकाता पुलिस ने मेकर्स को 30 मई को एमहर्स्ट पुलिस स्टेशन में हाजिर होने के लिए कहा है। द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल का ट्रेलर 7 अप्रैल को रिलीज किया गया था। ट्रेलर में दावा किया गया था कि बंगाल के हालात कश्मीर से भी बदतर हैं। ट्रेलर में दिखाई गई कहानी में ये भी दावा किया कि बंगाल में हिंदुओं के साथ नरसंहार और मास रेप की घटनाएं हो रही हैं और उनका पलायन चल रहा है। फिल्म के ट्रेलर में ये भी दावा किया गया कि संगठित रोहिंग्या और कट्टरपंथी बांग्लादेशी समूहों को सरकारी सहयोग देकर पश्चिम बंगाल में बसाया जा रहा है। द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल के डायरेक्टर सनोज मिश्रा का कहना है कि उन्होंने अपनी फिल्म तथ्यों के आधार पर बनाई है। उन्होंने कहा कि मैंने तथ्यों के आधार पर फिल्म बनाई है। मैंने प्रधानमंत्री गृह मंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करने की गुजारिश करता हूं। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं का नरसंहार, बलात्कार और पलायन हो रहा है। इतनी फाइल्स और एप्लीकेशंस लगाई जा रही हैं जो किसी को पता भी नहीं है। मैंने बहुत रिसर्च की है और फिल्म तथ्यों पर आधारित है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।